सो हाई गाइज, इट्स रिया एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। आज का वीडियो बहुत एक्साइटिंग होने वाला है क्योंकि हमने बहुत टाइम से पेपर कप से कोई क्राफ्ट नहीं बनाया है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सो लेट्स गेट इन टू द वीडियो। पहले मैंने ले लिया है 10 आइसक्रीम स्टिक्स। ये किसी भी स्टेशनरी शॉप पर इजीली अवेलेबल है। इनको मैंने ब्लैक एक्रेलिक कलर से कलर कर लिया है। अगर आपको कोई और कलर करना है तो ऑफ कोर्स गो फॉर इट। अगर आपके पास एक्रेलिक कलर नहीं है तो वाटर कलर से भी कर सकते हैं। मैंने एक्रेलिक कलर यूज़ किया है फॉर बेटर टेक्सचर। एक्रेलिक कलर घर पर कैसे बनाते हैं, इफ़ यू गाइज वॉन्ट अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन दैट कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन। तो अब हम इसे जल्दी से ऐसे बॉक्स शेप में अरेंज करके पेस्ट कर लेते हैं। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना। सो अब लेते हैं द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट ऑफ अ वीडियो, जो कि है पेपर कप। इसको अब बीच में से काट लेना है विद द हेल्प ऑफ कटर। गाइस बी केयरफुल व्हाइल डूइंग दिस। काट लिया हमने इसको दो टुकड़ों में। अब ये ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर दिया। थोड़ा सूखने के लिए रख देते हैं। जल्दी से एक स्क्वायर शेप का पेपर ले लिया और 15x15 सेंटीमीटर का। चलिए बनाते हैं रोज विद द हेल्प ऑफ पेपर। देन इसको सीजर्स की हेल्प से काट लिया। एक स्टिक की हेल्प से इसे रोल करते रहना है जब तक ये एक रोज ना बन जाए। तो ये बन गया हमारा स्वर्लिंग रोज। गाइज मैंने इस पर एक पूरा वीडियो बनाया है, हाउ टू मेक अ स्वर्लिंग रोज। आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है। तो ये बन गया हमारा क्यूट सा रोज। एंड को ग्लू की हेल्प से पेस्ट कर लेते हैं ताकि ये खुले ना। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर मुझे बताना। अगले वीडियो में आप क्या देखना पसंद करेंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। इस पे लगा दिया हमने कुछ ग्रीन कलर के ग्रासेस। इसको हम ऐसे ही नहीं रख सकते, चलिए इसको थोड़ा अट्रैक्टिव बनाते हैं। वैसे मुझे येलो कलर पसंद नहीं, पर ये इस पर बहुत ब्राइट लगेगा। मेरे पास कुछ हार्ट शेप के बीड्स थे तो चलिए यही लगा देते हैं। अगर आपके पास ऐसे बीड्स नहीं हैं तो आप कोई भी बीड्स या ग्लास बटन्स लगा सकते हैं। अब लग रहा है ना बहुत अट्रैक्टिव। अब एक रस्सी का छोटा सा टुकड़ा लेके इसके पीछे चिपका देते हैं ताकि हम इसे वॉल पे लगा सकें। लग रहा है ना ये क्यूट सा वॉल हैंगिंग। तो गाइज लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन आपको ये आइडिया कैसे लगा। गाइज दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज वीडियो। अगर आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हैं तो सबसे पहले मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना फ्रेंड्स के साथ, एंड थर्ड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।